नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव न्यूज। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं, मतगणना समाप्त होने के बाद एनडीए पूरी तरह से बहुमत में आ गई है, तो वहीं इस बार बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरी है, तो वहीं छोटी पार्टी के रूप में जेडीयू उभरी है। तो वहीं उनके नेताओं का कहना है कि नहीं, ये विकास की जीत है और विकास की जीत हमेशा जारी रहेगी। इसी के साथ हमारे साथ बात के लिए मौजूद हैं जेडीयू नेता जगदीवन सिंह जी, आइए उनसे बात करते हैं। 101% विकास की ही जीत है और जो काम करेगा वोट उसी को मिलेगा। हमारे नेता ने बिहार का विकास किया है। घर घर नली गली पानी सड़क बिजली, इसको विकास की ही जीत कहेंगे। अब आप बात आगे की पंचवर्षीय में किस तरह का विकास होगा और पटना किस तरह से चमकेगा? पटना तो पहले से बहुत ज़्यादा चमक चुका है, पटना तो चमकेगा ही चमकेगा, अब पूरा बिहार चमकेगा, गाँव गाँव भी चमकेगा। और मतलब इस बार हम लोग को प्रयास रहेगा कि रोजगार भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मतलब बिहार के लोग बाकी प्रदेशों में रोजगार करने नहीं जाएंगे। जी एकदम व्यवस्था की जाएगी, एकदम व्यवस्था। इंडस्ट्री वगैरह भी आएगी? फिल्म इंडस्ट्री तो पहले से भी है ही। हाँ। और प्रयास किया जाएगा लाने का। अच्छा, सीटी आपकी कम आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? सीटी आपकी कम आई है इस बार? सीट हाँ, सीट कम आई है। देखिए, सीट तो कम अधिक होता रहता है, तो सीट का कम का कारण आप लोग भी जानते हैं किस कारण से कम आई है। नहीं तो आज हम लोग सबसे बड़ी पार्टी होते हैं, तो भीतरघात भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ऐसा हुआ है। दिवाली का समय है और 24 कैरेट गोल्ड आपने स्लोगन दिया, क्या है कुछ क्या है 24 कैरेट गोल्ड? हमारे नेता 24 कैरेट गोल्ड है, इसलिए अगर अब आज 48 कैरेट गोल्ड भी आता तो हम वो भी जनसंख्या देते हैं उनको, वो उससे भी कम नहीं है। देखिए, हमारे नेता की एक खूबी है कि वो सर्व धर्म के लिए काम करते हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, जात नहीं मानते हैं। उसका सीधा सीधा उदाहरण है सिख समाज। सिख समाज की जनसंख्या बहुत कम है, वोट नहीं है, फिर भी हमारे समाज के लिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मना के उन्होंने एक उदाहरण और मिसाल पेश की है जिसका पूरे विश्व में कोई तोड़ नहीं। जगजीवन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ।